अपने ग्रुप्स पे लिंक डाल दो नहीं वाला अभी वाला मैं लिंक अभी जनरेट किया अभी तो डाला ग्रुप्स नहीं जाता आवाज हम लोगों ने अभी क्या देखा था एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स रिस्पेक्ट ऑफ टेक समझा देखो आप लोग जितना टाइम पास करोगे उतना आपको घर जाने में देर होगा प्लीज फोकस यू हैव कम हियर फॉर स्टडी मैं गाली वाली बोलूंगा शांत रहो शांत रहो सब लोग अभी नेक्स्ट बॉयज शांत हम बस अभी बस 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 दीक्षांत बस एवरी वन फोकस सुनो एक्सेप्शंस एक्सेप्शनल केसेस क्या है प्लीज लेट अस अंडरस्टैंड ठीक है इसलिए दिख रहा है सबको ये एक्सेप्शनल केसेस क्या है इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है अच्छा खासा लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन ध्यान से देखो सब लोग डिस्प्यूट दैट में अराइज डिस्प्यूट दैट हैव ऑलरेडी अराइजिंग सबसे पहले एवरी वन प्लीज कीप क्वाइट मेरे को एक आवाज नीचे पिन ड्रॉप साइलेंस लो इफ यू वांट टू टॉक यू कैन गो शांति रहो एक कॉन्ट्रैक्ट जहां पर दो या दो से ज्यादा पर्सन अग्री करते हैं कि अगर उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ तो फर्स्ट वी शुड गो टू आर्बिट्रेशन ये वैलिड है मैं अगर अगर मैं चिन्मय को बोल रहा हूं कि तू और मैं कॉन्ट्रैक्ट मेंटर करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट मेंटर करने के बाद मैं उसमें क्लॉज डालता हूं कि अगर मेरे से कोई डिफॉल्ट हुआ तो तू कोर्ट में जाने से पहले मेरी परमिशन लेगा तो ये गलत है इट इज एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग बट अगर हम दोनों ने एग्रीमेंट में ये लिखा कि हम लोग आर्बिट्रेशन करना पसंद करेंगे तो दैट इज वैलिड ठीक है क्योंकि आर्बिट्रेशन से अगर हम लोग खुश नहीं है तो वी कैन गो एंड नॉक डोर्स ऑफ कोर्ट्स राइट यस अच्छा हम लोग ये भी कॉन्ट्रैक्ट मेंटर कर सकते हैं ओनली द अमाउंट अवॉर्डेड इन सच आर्बिट्रेशन शैल बी रिकवरेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डिस्प्यूट्स और एफर्ट मतलब अगर हमारा डिस्प्यूट हो गया तो हम लोग उतना ही अमाउंट रिकवर करेंगे जितना डिस्प्यूट में हमने मांगा है ये वैलिड है यस आर्बिट्रेशन वाले भी कोर्ट में होते हैं आर्बिट्रेशन काउंसिल अलग होती है आर्बिट्रेशन कोर्ट्स अलग होते हैं उनको रेटिंग मिलता है जिसका रेटिंग हाई है उसके पास आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा तो आर्बिट्रेशन का पूरा प्रोसीडिंग पूरा सिस्टम अलग है इट इज लाइक अ कोर्ट बट नॉट अ कोर्ट उसमें एक पार्टी अपना बंदा लेके आता है दूसरा पार्टी अपना बंदा लेके आता है फिर बोलोगे कॉमन आर्बिट्रेटर को बुलाते हैं तो तीन आर्बिट्रेटर्स होते हैं यूजुअली और वो तीनों मिलके इनके बीच में सुलह मशवरा करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ डिस्प्यूट ये है हमारे हिसाब से ये सजेशन रहेगा यू शुड डू दिस इफ एट ऑल यू आर नॉट हैप्पी देन यू मे गो फॉर कोर्ट समझ में सबको अभी ध्यान से सुनो A contract in writing by which two or more parties agree to refer to arbitration any question between them that has already arisen. या तो पहले से arbitration का contract बनाओ या तो dispute हो गया तो सीधा arbitrator के पास जाओ ये allowed है yes क्योंकि ये exception समझ में ही बात पक्का सबको समझा और they agree to affect any provision of law in force for time being as to references to आर्बिट्रेशन यानी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग होती है कंसीलेशन प्रोसीडिंग होती है मीडिएशन होता है ये सब हम लोग कर सकते हैं डिस्प्यूट होने के बाद भी डिस्प्यूट होने के पहले भी
क्योंकि हम लोग लीगल चैनल के थ्रू कर रहे हैं ना, यहाँ पे केस फाइल करने से रोका गया किसी को नहीं। आपने बॉलीवुड की मूवीज में देखा है जो दवाई देने आता है उसको बस में मार देता है, बस से उड़ा देता है, कोर्ट में बम धमाका हो जाता है, देखा है ना सर? यस। सो दैट ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर नॉट अलाउड। या तो आपने मूवीज में भी ये देखा रहेगा, एक वेब सीरीज आई थी सुष्मिता सेन की आर्या करके, उसका सेकेंड सीजन का फर्स्ट एपिसोड में शी गोज इन कोर्ट, और उसके पहले उसकी जो भाभी होती है ना वो उसको आके रोती है कि डोंट डू दिस, मेरा हस्बैंड है ये वो, तो दैट इज एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग एंड शी यूज्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस। समझा सबको? समझा? यस। अच्छा, अब आते हैं अनसर्टेन एग्रीमेंट्स के ऊपर। बच्चों, अनसर्टेन एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज वॉइड। सर्टेनिटी नहीं है तो वॉइड वैलिड होगा क्या? इट इज डीम्ड टू बी वॉइड। अनसर्टेन एग्रीमेंट्स का अर्थ क्या होता है? जहां पे आपके टर्म्स सर्टेन नहीं है, भैया मुझे 100 रुपए का, सॉरी भैया मुझे नमक दे देना, कितना क्या सर्टेन हो क्या आप? नहीं समझ में आया? भैया ऑयल के पैकेट्स घर पे भिजवा देना, कितने पैकेट नहीं कौन सा है ना? समझा सबको? यस। सो अनसर्टेन एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज वॉइड। अनसर्टेन है या तो फिर उसको आप कभी सर्टेन बना ही नहीं सकते। समझ रही बात? सर अनसर्टेन क्या क्या हो सकता है? सब्जेक्ट मैटर ही अनसर्टेन है या फिर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स अनसर्टेन है। समझ रही बात? देखो एग्जांपल, ए सेज टू बी आई शैल सेल माय हाउस टू यू, आई शैल सेल माय हाउस, विल यू बाय? ए सेज यस आई शैल बाय, ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ प्राइस द एग्रीमेंट इज वॉइड। कितने का क्या कुछ भी बोला है क्या? नहीं। ध्यान से देखो, एन प्रॉमिस टू पे एन फॉर हिज सर्विसेज एट हिज सोल डिस्क्रिशन व्हिच वाज फाउंड टू बी फेयर एंड रीजनेबल, हाउएवर एन वाज नॉट सैटिस्फाइड। क्या ये क्वेश्चन के इसमें दिया हुआ है? अपने किक के अंदर है ये क्वेश्चन? किक में है या मॉड्यूल में है? किक में है ना ये क्वेश्चन? यस। और अपने टेस्ट में भी एक क्वेश्चन डाला था ऐसा, है ना? सुनो ध्यान से, एन प्रॉमिस टू पे एन फॉर हिज सर्विसेज, अच्छा, एन वॉज नॉट सैटिस्फाइड विद द पेमेंट मेड बाय एम, वांटेड टू सू हिम। क्या ये सूट वैलिड रहेगा? क्यों? यस, क्यों नहीं वैलिड रहेगा? कितना पैसा, क्या पैसा? तो उसने अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से पैसा दिया ना। जैसे हम लोग देखो पंडित को दक्षिणा देते हैं, हमने अपनी मर्जी से दे दिया तो फिर वो कुछ बोलता है क्या? नहीं। समझ में सबको? अच्छा, बट अगर आपका पंडित से बात हुआ था कि ये पूजा का इतना इतना पैसा हम लोग आपको देंगे, तो आपने कम दिया तो फिर वो सूट फाइल कर सकता है। यस। क्वेश्चन का आता सीधा, ए ने प्रॉमिस किया बी को, वो सेम क्वेश्चन आ गया ऑफिस से ऊपर वाले, ये देखो ना, विल नॉट बी valid because performance of promise is contingent upon the mere will and pleasure of promissory. जो ऊपर देखा ना अपने केस, सेम चीज है अपने। Next question पे आते हैं। अब आप लोग मुझे इसका आंसर दो एक एक करके, ठीक है? मैं जिसको पूछूंगा वही आंसर देगा। So everyone be prepared. मैं randomly किसी को भी खड़ा करूंगा। Question क्या है? हमको ये समझना है कि valid है या void है। Question number one, A ने agree किया, वो sell करेगा B को 1000 ton of oil. A is dealer in various types of oil. बेटा last question हार्दिक बताए। Void है, क्यों? Various types of oils बेच रहा है, certain है? नहीं। Next कौन बताएगा? चलो एक ही चांस मिलेगा, बताएगा कौन? अथर्व। हाँ, अथर्व, ए अग्रीज टू सेल बी 200 tons of oil, ए डील्स ओनली इन कोकोनट ऑयल, वैलिड है? अच्छा, थर्ड कौन बताएगा? ओंकार बताएगा। सेड अग्रीज, फिर आप बताओगे, फिर आप बताओगे, ठीक है? आपने हाथ खड़ा किया तो आपने कहता ना, ठीक है। Said agrees with why to sell all his grain in his granary at Ropar's. क्या है ये? Valid है कि void है? क्या है उसके पास जितना grain पड़ा है वो सारा का सारा बेचेगा, तो valid है कि void है? Valid है। अच्छा मैडम, अभी आपका है। F agrees to sell his produce to G provided H shall come inspect and fix the price. Valid है ना? यहाँ पे हमने क्या बोला है कि आप आके प्राइस फिक्स करो, आप एक बार आके गुड्स देखो, पसंद आया तो ठीक, तो वैलिड है। यस। संस्कृत की लास्ट, डी अग्रीज टू सेल हिज व्हाइट हॉर्स फॉर 5000 और 10000, क्यों? सर्टेन नहीं है ना, आप वेग बातें कर रहे हैं, या तो 5 में दूंगा या तो 10 में दूंगा, तो ये वैलिड है क्या? नहीं, ये वॉइड है। वेजरिंग एग्रीमेंट्स इंडिया में वैलिड है क्या? नहीं। क्या है फिर? वॉइड है, इलीगल है? इलीगल है, वॉइड है। कुछ स्टेट्स में इलीगल है। मुंबई में वैलिड है कि वॉइड है? मुंबई में इलीगल है, मुंबई में इलीगल है, वेस्ट ऑफ महाराष्ट्र वॉइड है। फर्क क्या है?
मैं बताऊं अभी, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, सुनो। मैंने आवाज नहीं दी, मैंने चिन्मय के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया कि कौन सी टीम जीतेगी। वेजरिंग में क्या होता है, बेटिंग होती है, बेटिंग। हर वेजरिंग एग्रीमेंट कंटिंजेंट होता है, बट हर कंटिंजेंट एग्रीमेंट वेजरिंग नहीं होता। वेजरिंग एग्रीमेंट्स को वेजरिंग क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि उसमें एक ही जीत और एक ही हार निश्चय है। अगर जीत और हार नहीं है तो वेजरिंग है क्या? कंटिंजेंट में जीत हार होती है क्या? नहीं। बट हाँ, कंटिंजेंट के परिवार में वेजरिंग आता है, बराबर। वेजरिंग के परिवार में कंटिंजेंट नहीं आता। तो कंटिंजेंट इज अ ह्यूज टर्म, उसके अंदर एक वेजरिंग एग्रीमेंट है, समझा? तो वेजरिंग एग्रीमेंट मैंने और चिन्मय ने पुणे में किया, कौन सा आईपीएल का टीम मैच जीतेगा आज का, जो भी टीम का मैच चल रहा है, मान लो मुंबई का और दिल्ली का मैच चल रहा है, ठीक है? सुनो सुनो, शांति हो सबको। हम दोनों ने यहां पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। अब ध्यान से सुनो, चिन्मय बैठ हार गया, चिन्मय गया प्रेम के पास और प्रेम से पैसा लिया और उसने पैसा लेके मेरे को दे दिया। द क्वेश्चन हियर इज, कैन प्रेम रिकवर द मनी फ्रॉम चिन्मय? द आंसर इज यस, इन पुणे ही हैज द राइट टू रिकवर। बट इफ द सेम ट्रांजैक्शन वुड हैव टेकन प्लेस इन मुंबई, तो प्रेम पैसा रिकवर नहीं कर सकता था, समझा सबको? अब मेरी बात है, अच्छा राइट टू सू तो है, ऐसे के रिकवरी की बात कर, राइट टू सू है क्या? कोर्ट मदद करेगा क्या? नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, वेजरिंग के अंदर, हाँ हाँ, तो फिर वो पैसे तो लेगा। बट अगर देख, हमने इलीगल एग्री के बारे में सुना है, उसके साथ सारे कोलैटरल ट्रांजैक्शंस भी अवॉइड हो जाते हैं ना, तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकता, समझा? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, या तो मनी, या तो मनी का वर्थ पेबल है बाय 1% टू अनदर on happening or non-happening of future uncertain event, बराबर। अब वेजरिंग एग्रीमेंट कब वेजरिंग होगा, ध्यान से सुनो, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, what are the essentials of वेजरिंग एग्रीमेंट, बराबर। तो please pay attention, event कैसा होना चाहिए, certain या uncertain? क्योंकि अगर certain है तो फिर अभी certain क्या है, मुंबई play-off final में जाएगा क्या? तो ये certain हो गया ना, तो क्या हम लोग अगर उसका एग्रीमेंट किए मुंबई जाएगा कि नहीं, तो सर्टन चीजें नहीं जाएगा, तो ये वेजरिंग हुआ क्या? नहीं हुआ। म्यूचुअल चांसेस ऑफ गेन और लॉस, जितना हिस्सा मेरे पास जीतने का है उतना ही उसके पास भी जीतने का है, जितना मेरे को हारने का डर है उतना ही इसको भी हारने का डर है, तो दो, एक ही जीत और एक ही हार होना तय है। नाइदर पार्टी टू हैव कंट्रोल ओवर द इवेंट, ना मेरा कंट्रोल है कौन जीतेगा, ना इसका कंट्रोल है कौन जीतेगा। अगर कंट्रोल आ गया तो फिर हम लोग वेजरिंग उसको बोलेंगे नहीं। किसी पार्टी का पर्सनल इंटरेस्ट या स्टेक नहीं होना चाहिए, बस एक ही चीज होनी चाहिए, जीत या हार, ठीक है? और लास्ट में आता है मनी या मनीज वर्थ। ये पांच कंडीशंस का सैटिस्फाई करना जरूरी है इन ऑर्डर टू हैव अ वेजरिंग एग्रीमेंट, समझा सबको? अच्छा, वेजरिंग एग्रीमेंट के अंदर क्या हम लोग किसी भी प्रकार का एक्शन ले सकते हैं क्या? देखो, नो सूट शैल बी ब्रॉट फॉर रिकवरिंग एनीथिंग एलिज्ड टू बी वन और एनी वेजर। मतलब ये कि मैंने और चिन्मय ने शर्त तो लगा ली, बट मैं हार गया, अब चिन्मय को पैसा नहीं दे रहा हूं, तो क्या चिन्मय कोर्ट में जाके कोर्ट को बोल सकता है कि इसको पैसा देने लगाओ? नहीं बोल सकता। एनीथिंग इंटरेस्टेड टू अ पर्सन टू अवॉइड द रिजल्ट ऑफ एनी गेम और अदर अनसर्टेन इवेंट विच एनी वेजर इज मेड। इसका मतलब क्या है बच्चों? या तो जीते हुआ चीज, या तो फिर कोई चीज उसके पास पड़ी है वो मैं उससे लेना चाहता हूं, समझ में आया क्या? या तो पैसे की बात कर रहे हैं, या तो तेरी गाड़ी मेरी हो जाएगी अगर मेरी टीम मैच जीत गई तो, समझ में आया सबको? दोनों चीज के लिए हम लोग कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। तो फिर सर ये ड्रीम इलेवन कैसे चलता है? एक तो एक बात बताओ, ड्रीम इलेवन प्ले स्टोर पर मिलता है क्या? एमपीएल एमपीएल आता है प्ले स्टोर पर मिलता है क्या? नहीं। अभी रिसेंटली किधर का तो एक आदमी है, मैंने आपको परसों या कल भी बताया था, देसी कानून करके इंस्टाग्राम पे चैनल पेज है, उसके ऊपर ऐसे जजमेंट आते रहते हैं। तो एक जजमेंट आया था कि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, दो तीन लोगों के ऊपर केस फाइल किया कि ये लोग प्रमोट कर रहे हैं गैम्बलिंग। अभी वेजरिंग तो वही है, तो फिर सर ये एमपीएल वाला लोग, ये जो है दूसरा क्या है, ड्रीम इलेवन वगैरह, ये लोग कैसे चल रहे थे? क्योंकि उसमें स्किल्स यूज कर रहा हूं। केबीसी भी तो गेम ऑफ चांस ही है ना, आप वहां पर भी तो अनसर्टन है, किसी का कंट्रोल नहीं उस इवेंट के ऊपर, फ्यूचर इवेंट है,
बट वहां पे आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसी के लिए उसको हम लोग वेजरिंग में नहीं डालते हैं। जब ये आए थे ड्रीम इलेवन वगैरह इंडिया में, तो लोगों ने केस ऑब्जेक्शन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो ड्रीम इलेवन वाले का जो वकील था उसने बोला कि यहाँ पे पूरा का पूरा लक नहीं है, यहाँ पे लोग अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं। वो टीम भी बनाते हैं ना सब लोग, तो आपको नॉलेज होना चाहिए प्लेयर के बारे में, क्रिकेट के बारे में, कि कौन सा प्लेयर का फॉर्म कैसा, तो यू आर यूजिंग योर स्किल्स एंड दैट इज व्हाई यू आर विनिंग द मनी, बट यू आर ऑल्सो लूजिंग द मनी, राइट? समझ में सबको? बट अगर आप टेलीग्राम पे बुकी बुकी होते सब उनके थ्रू अगर आप पैसा लगा रहे हो, तो आप वो वॉइड एग्रीमेंट या वेजरी एग्रीमेंट में एंटर करो, विच इज कम्प्लीटली वॉइड। अच्छा, अगर किसी ने भी वादा तोड़ा तो ब्रीच के लिए सू कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं। अब सुनो ध्यान से, मनी डिपॉजिटेड विद अ पर्सन टू बी पेड टू पार्टी विनिंग कैन नॉट बी रिकवर्ड बाय द विनर, बट द लूजर कैन रिकवर हिज डिपॉजिट फ्रॉम द स्टेक होल्डर, बट इफ स्टेक होल्डर पेज मनी टू द विनर द लूजर कैन नॉट रिकवर फ्रॉम हिम। समझ में आया सबको? अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो, गुजरात एंड महाराष्ट्र वॉइड एंड इलीगल, बराबर? कोलैटरल ट्रांजैक्शन आल्सो बिकम इलीगल, बराबर? तो अभी किसने, हार्दिक ने पूछा था ना, किसने पूछा था, हार्दिक ने पूछा था ना, यस। अदर स्टेट्स आर नॉट इलीगल बट दे आर वॉइड, कोलैटरल ट्रांजैक्शंस आर वैलिड नॉट इलीगल। यानी मैंने आपको जो कहानी बताई थी स्टार्टिंग में, जहां पर पुणे में मैंने और क्या नाम चिन्ह मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, प्रेम जो था, प्रेम पुणे में रिकवरी कर सकता है, कोलैटरल ट्रांजैक्शन था ना प्रेम का, बट अगर यही सेम चीज मुंबई में की रहती तो इसी के लिए देखो यहाँ पे वॉइड एंड इलीगल बोला है ना, तो मुंबई में वॉइड, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र सॉरी मुंबई में इलीगल, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र वॉइड, समझा? वॉइड नीचे की लाइन पर, नीचे का लाइन बड़ा बदल दो, और बगल में देखना क्या लिखा है, बट नॉट इलीगल, महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर इलीगल है, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में इट इज वॉइड, वैलिड नहीं है रेस्ट ऑफ, ये आपकी बुक में दिया नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मुंबई के अंदर इलीगल क्योंकि मुंबई क्राइम सिंडिकेट वगैरह बना हुआ है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री है, सारा जो भी देखो पूरे इंडिया से पब्लिक सबसे ज्यादा मुंबई में, बराबर ना? और मुंबई के अंदर, मुंबई के अंदर सारा जो अपना माफिया, जैसे यूएसए में शिकागो वगैरह था ना, वैसे मुंबई इंडिया का शिकागो जैसा था, माफिया पूरा वहां पे आपका क्या बोलते हैं सिंडिकेट क्राइम चलता है, प्रॉपर उनके एरियाज होते हैं, अगर आपने वंस अपॉन अ टाइम देखा रहेगा तो उसमें भी दिखाया ना कि विल बी ये एरिया मेरा तो इस पर मैं राज करूंगा, ये एरिया तेरा, समझ में आया सबको? इसी के लिए उसको हमने इलीगल किया। अच्छा, लॉटरी क्या है? अनऑथराइज है तो क्राइम है, इलीगल इन इंडिया, बट ध्यान से सुनो। अच्छा ये देखो, हाँ क्वेश्चन देखो, इससे शायद आपको क्लैरिटी है। ए इन मुंबई बेट्स विद बी एंड लूजर्स, ए किसके पास गया पैसे के लिए, सी के पास फॉर अ लोन इन ऑर्डर टू पे बी, सी ने लोन दिया ए को ताकि वो बी को पैसा दे सके, कैन सी रिकवर द अमाउंट ऑफ लोन फ्रॉम ए? Would it make any difference if this transaction takes place in Hyderabad? वो वहां पे पैसा रिकवर कर सकता है बट मुंबई में नहीं कर सकता, समझा? क्योंकि collateral transactions are valid in other states but not in Mumbai, समझा? So ये देखो ना, C can recover the amount from A, कहां पे? Hyderabad में, मुंबई में कर सकता है क्या? C cannot recover the amount in Mumbai. बस मुंबई आ गया, खत्म, बात रिकवरी नहीं होगी। ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन वेजरिंग एग्रीमेंट में एग्जाम में पूछ सकते हैं। दूसरा किसी शहर का नाम आए तो कर सकते हैं क्या? यस। और गुजरात के किसी भी शहर का नाम आए तो कर सकते हैं क्या? नहीं। चलो, क्या वेजरिंग इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को कवर करते हैं? नहीं। अच्छा, सेल एंड परचेज ऑफ शेयर स्टॉक गुड्स, ये भी तो आपको मालूम नहीं ना शेयर के भाव क्या कब क्या होने वाले, ये वेजरिंग है क्या? नहीं। कॉम्पिटिशन, ये वेजरिंग है क्या? कॉम्पिटिशन, केबीसी वगैरह, केबीसी के अंदर क्या होता है? स्किल यूज होता है, जहां पे भी स्किल यूज कर रहे हो, लक फैक्टर पे नहीं हो, वहां पे इट इज वैलिड। समझ में सबको? अच्छा, हॉर्स रेस कॉन्ट्रीब्यूशन वैलिड है क्या? वैलिड है, बट कब तक? ऑफ द अमाउंट ऑफ रुपीज 500 और मोर टू बी अवॉर्डेड टू विनर ऑफ अ हॉर्स रेस इज वैलिड। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट वेजरिंग इवन दो इट डिपेंड्स ऑन फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट,
इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, बराबर। इंश्योरेंस इज कंटिंजेंट राइट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब होता है कि मैं आपके लॉस को इंडेमनिफाई यानी आपके लॉस का भरपाई करूंगा, समझ में। अगर ऐसा हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बिना मतलब आपके हॉस्पिटल का बिल भरता है क्या, नहीं। आपको क्या बोलते हैं, अगर आप बीमार पड़े आपने हेल्थ पॉलिसी निकाला है तो हम लोग कब पैसा देंगे आपको, जब आप बीमार पड़ोगे हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तब। तो ये मेजरिंग है क्या, नहीं है। अच्छा ये देखो किधर गया किधर गया, ये गैम्बल है ना पूरा का पूरा, वेजरिंग पूरा गैम्बलिंग हो रहा है ना, बट इंश्योरेंस पे गैम्बलिंग होता है क्या। यहाँ पे मैं आपको था ना सीए करने का, आप एक्चुअली का एग्जाम दे सकते हो, एक्चुअल स्किल्स का यूज होता है ना वहाँ पे, प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उसका इस्तेमाल होता है ना। अच्छा आर लॉटरी वेजरिंग एग्रीमेंट, क्या लॉटरी वेजरिंग होती है, क्या लॉटरी वेजरिंग होती है, क्या होता है फिर लॉटरी, अगर गवर्नमेंट ने चालू किया तो, और अगर ऑथोराइज तो चलता है। आपने अगर देखा रहेगा आयुष्मान खुराना का मूवी था जिसका पुणे में शूटिंग अंधा था, क्या नाम उसका, अंधाधुन, हाँ उसमें देखो जो बंदा आता है ना उसको टिकट बेचने के लिए, इवन अगर आपने भुवन बाम का वेब कौन सा 10 एपिसोड इंदौरा देखा है तो उसमें तो लॉटरी बेच खरीदता है ना उसके फादर। यस एवरीवन सुनो, एग्रीमेंट सपोज टू पब्लिक पॉलिसी पहले आता है ट्रेडिंग में तेरी भी, क्या हम दुश्मन के साथ धंधा कर सकते हैं, एनिमी कौन होता है हमारा, नहीं 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 दैट इज नॉट आवर दुश्मन दैट इज आवर एलियन फ्रेंड, वॉर पे जाने का दिल ही नहीं होता, समझा। अच्छा और ऑलरेडी कुछ रिस्ट्रिक्शन आप सीए फाइनल में पढ़ोगे आरबीआई ने लगा के रखे हैं, जैसे कि अगर आपको अगर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेना बाहर से तो आपको नेपाल से आपको इंडियन रुपीज में वहां पर ट्रांजेक्शन करने, आप डॉलर में खर्चा और नेपाल में नहीं कर सकते क्योंकि नेपाल हमारा फ्रेंडली स्टेट है, समझ में आपको, हमारे फ्रेंडली रिलेशन है ना, तो नेपाल के अंदर आप डॉलर यूज कर सकते हो क्या, नहीं, वहां पे इंडियन रुपी चलता है। पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ा नजर रखेंगे कि क्यों आ रहा है क्या आ रहा है, तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस है। पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट लेना है तो आपको पहले आरबीआई से 81 कैटेगरी बैंक से परमिशन लेना पड़ता है, ऑथोराइज डीलर, 81 मतलब क्या, ऑथोराइज डीलर। सर ये कौन कौन होते हैं, सारे बैंक 81 कैटेगरी के होते हैं, वो लोग परमिशन लेते हैं, आप वहां पे रुपीज लेके जाओ आपको वो लोग डॉलर में कन्वर्जन करके दे देंगे उसका, समझ में आया सबको, पक्का समझाते हैं। इंडिया से बाहर अगर मेरे को जाना है तो मनी एक्सचेंज वगैरह होता है ना, अगर आप सियागढ़ रोड पे अपन ट्रिप के लिए जब गए थे तो जहाँ पे बस स्टॉप था पेट्रोल पंप था, क्या नाम है वो एरिया का रोड का, डांडेकर पॉइंट, उसके वहां पे बाजू में अगर आप देखोगे आगे तो मनी एक्सचेंजर का एक ऑफिस है, फिर वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर है ना, समझ में सबको। यस कॉक्स एंड किंग्स या थॉमस कुक करके कुछ है वो भी इसी के अंदर पैसा हिसाब का ये करके देता, अगर आप फिनिक्स मॉल में जाओगे फिनिक्स मॉल के अंदर भी वहां पे आप डॉलर वहां पे ले सकते हो, मनी एक्सचेंजर का ऑफिस खुला हुआ है, तो वो ऑथोराइज डीलर से सिर्फ उन्हीं के पास सब डॉलर में रुपीज कन्वर्ट करके ले सकते हो। अभी मुझे लगा ना दुश्मन के साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मेंटर कर सकते हैं क्या, नहीं, इट इज वॉइड। स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन इसका मतलब क्या होता है बच्चों, यस अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी एंड मेंटेनेंस के ऊपर, प्रोसिक्यूशन को स्टाइफल करना मतलब क्या होता है, स्टाइफलिंग गला घोटना किसका, ये लाइन पढ़ो, कंपाउंडिंग क्रिमिनल चार्जेस बट अ कॉम्प्रोमाइज ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वाले, पहले मुझे बताना कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस का मतलब क्या होगा, मेरी बात सुनो, कंपाउंडिंग बहुत सारे ऑफेंसेस को कंपाउंड कर देना है ना, पक्का ऐसे ही होता है, आप कंपाउंडिंग मतलब आप एडेंडम कर रहे हो ना, राइट। I have a question for you. ध्यान से सुनो. Everyone is listening? Yes. Focus. अगर मुझे ट्रैफिक पुलिस ने सिग्नल तोड़ते मेरे गाड़ी का फोटो निकाल लिया, मैंने पेनल्टी नहीं भरा तो मेरे को कोर्ट में बुलाएंगे, वकालतनामा संडे के दिन बताया ना मैंने आपको, अगर मैं खुद से जाके फाइन भर दूं तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑफेंस को कंपाउंड कर रहा हूँ, समझ में आई सबको बात, तो क्या मेरे को कोर्ट में बुलाएंगे क्या अभी, बट अगर मैंने क्राइम किया पुलिस स्टेशन में जाके बोल दिया पेनल्टी ले लो, मैंने खून किया किसी का माफ कर मैं खुद से आया तो मेरी सजा कोर्ट में पेश करो, ऐसा चलेगा क्या, समझ में सबको, सबको समझाया, रिपीट आ गया। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस का मतलब क्या है, ट्रैफिक पुलिस ने मेरे को पकड़ा, मैंने अगर मेरा चलान का पैसा ऐसा भर दिया तो कोर्ट बुलाएगा क्या मेरे को, नहीं, मैंने खुद से होकर कंपाउंड किया ना ऑफेंस को,
बट क्राइम करने का अगर मैं गया तो कोर्ट नहीं बुलाएगा क्या मेरे को? बुलाएगा ना कोर्ट, स्टाइलिंग प्रोसिक्यूशन समझा। अभी चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस में आता है, आई वॉन्ट अटमोस्ट अटेंशन सबका यहाँ पे, सबका फोकस यहाँ पे, सबका फोकस यहाँ पे, सबका ध्यान। एवरीवन लिसन, व्हाट डू यू मीन बाय चैम्पर्टी? किसी को पता है कुछ मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी? ओके, और सर मेंटेनेंस तो मैं आपको पैसा दूंगा, है ना? इसका मतलब ये है, सुनो सुनो, इंडिया में चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस वॉइड नहीं है। कब वॉइड होगा वो? जब आप किसी के साथ गलत कर रहे हो तब। एक्सटॉर्शन बोलते हैं ना, एक्सटॉर्शन, सुनो मेरी बात, लगे रहो मुन्ना भाई, देखा पूरा कहानी का के ऊपर है कि वो एक घर होता है बुड्ढे लोगों का, वो बोमन ईरानी को चाहिए होता है, सरदार जी होता है उसमें बोमन ईरानी, वो क्या करता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के आदमी को बोलता है कि लीज खत्म होने वाला है ना घर का, 99 ईयर्स का लीज है ना, अब लीज रिन्यू होगा ना, तो रिन्यू होने मत दे, वो प्रॉपर्टी मैं खरीद, तो मेरी मदद करो प्रॉपर्टी खरीद दे। फिर ये क्या करता है संजय दत्त, वो गांधीगिरी वगैरह दिखाया ना, अब उसी चीज को हम लोग यहाँ पे बेस बनाएंगे और ध्यान से समझेंगे। एवरी वन प्लीज पे अटेंशन, एक्स प्रॉमिस कर रहा है कि वो 25,000 पे करेगा, किसको? जेड को, ठीक है? सॉरी, एक्स प्रॉमिस कर रहा है, सॉरी, टू पे 25,000 फॉर ब्रिंगिंग अ सूट अगेंस्ट सर, आप उसके ऊपर केस फाइल करो, मैं आपको पैसा दूंगा। मतलब ये है कि मेरे को चिन्मय के ऊपर केस फाइल करना है, उसको मेरे को कोर्ट में घसीट देना, तो मैं प्रेम को बोल रहा हूं कि तू चिन्मय के ऊपर केस फाइल कर, मैं तेरे को पैसा देता हूं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस। मतलब क्या? मैं प्रमोट कर रहा हूं लिटिगेशन इन विच अ पर्सन हैज नो इंटरेस्ट ऑफ हिज ओन। मुझे बताना प्रेम का क्या संबंध है उसके ऊपर केस फाइल करने का? कुछ भी नहीं है ना। बट क्या मैं उसको पैसा दे रहा हूं इसी के लिए प्रेम उसके ऊपर केस फाइल कर रहा है? सो एवरीवन ध्यान से सुनो। अच्छा, जब एक पर्सन अग्री करता है टू मेंटेन अ सूट वेयर ही हैज नो इंटरेस्ट, द प्रोसीडिंग इज नोन एज मेंटेनेंस। प्लीज ध्यान से देखो, दिस इज शुभम, दिस इज चिरमी, ठीक है? इन दोनों का एक्चुअल में चल रहा है फाइट। अब शुभम जोशी क्या कहता है? शुभम जोशी बुलाता है प्रेम, शुभम जोशी प्रेम को प्रॉमिस करता है टू पे 1,00,000 अगर प्रेम चिन्मय के ऊपर सूट फाइल करे। समझ में आया सबको? क्या प्रेम का और चिन्मय का कुछ भी संबंध है? उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है क्या? नहीं। बट उसे किसके कहने पे केस फाइल किया? शुभम के कहने पे केस फाइल किया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बना लिया, बना के लो, जिसने नहीं बना बनाओ फास्ट। इंडिया में हाँ, आप गलत चीज के लिए कर रहे हो तो नहीं कर सकते, और केस के फैक्ट्स का वो भी तो देखना पड़ेगा ना। मेंटेन करके रख रहा हूँ उसी के लिए तो पैसा दे रहा हूँ ना। मतलब कोई तो सपोज सोसाइटी में रहते हो, फैमिली है, तो फिर एक फैमिली के मतलब कोई तो अलग हो गया, मेंटेनेंस का पैसा देता है, इंटरप्रिटेशन अलग है ना। अभी पार्क बोलूंगा तो पार्क का मतलब तो तुम्हारे गार्डन वार्डन भी हो गया और गाड़ी पार्क करना भी हो गया, इसलिए प्लांट बोला तो प्लांट मतलब पौधा, प्लांट एंड मशीनरी बोला तो दिमाग में पौधा आता ही है, वर्ड का मीनिंग चेंज हो रहा है। आप किस तरीके से उसको यूज करते हैं? दोनों लॉ में ही है। यस यस, रामचंद्र चिंतामणी वर्सेस कार्नोलॉजी में आएगा। कौन सा? रामचंद्र चिंतामणी डिस्प्यूटेड लैंड वाला नीचे इसमें बॉडी में चेक करता हूँ। ये हो गया सबका, लिख दिया। अच्छा, मेंटेनेंस समझा सबको? मेंटेनेंस क्या होता है समझा? अच्छा, अभी चैम्पर्टी क्या होता है? सुनो सुनो सुनो,
हम सबका चैप्टर ठीक है, सॉरी मेंटेनेंस पे ध्यान था, अब आई वांट यू ऑल टू फोकस ऑन चैप्टर। एल ने अग्री किया कि वो एन को पैसा देगा 50,000 ताकि तू स्यू करे एन को, उसके बदले जो भी पैसा आएगा उसका 60% शेयर एम को मिलेगा इन द सूट। ये समझा सबको? Yes. ये था मेंटेनेंस, कि आप सूट मेंटेन करो उसके खिलाफ, बराबर? एवरीवन आर यू ऑल फोकसिंग एंड लिसनिंग? आप सूट मेंटेन करो उसके खिलाफ। अभी चैप्टरी का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। दिस इज शुभम, दिस इज चंद्र। वकील लोगों के साथ कर भी सकते हैं, संभाल मैंने आपको, वकील को बोल दे रहे तू केस जिता दे, देखो आता है तू उसको हरा दे, ये ऐसा ऐसा केस फाइल कर उसके ऊपर, जो भी प्रॉपर्टी बेच के आएगा पैसा उसका भी इतना इतना परसेंटेज रखे, फीस तो दूंगा मैं तेरे को, उसके अलावा तो इसका परसेंटेज भी दे रहा हूँ। अब ये प्रेम, बराबर? शुभम जोशी क्या बोल रहे हैं, फाइल सूट अगेंस्ट चिन्मय एंड whatever proceeds we get after winning, you keep a certain percentage. समझ सको? प्रेम ने क्या किया? सूट फाइल किया। अभी अगर चिन्मय हार गया तो चिन्मय एक्चुअली कोर्ट ऑर्डर किसको देगा पैसा देने को? चिन्मय इसको पैसा देगा, मान लो 100 रुपीज दिया, इन्होंने डिसाइड किया था कि एक परसेंटेज मान ले तो 30% रख बोला, तो प्रेम कितना रखेगा? 30 रुपया रखेगा, बाकी का 70 प्रेम किसको दे देगा? समझा? डाउट क्वेश्चन कोई? ऊपर मैं क्या बोल रहा था कि तू ठीक है, मेरे को दिखा बाद में बुक, सुनो, चैप्टर एंड मेंटेनेंस आर नॉट इलीगल। कोर्ट्स रिफ्यूज करेगा टू एनफोर्स सच एग्रीमेंट ओनली व्हेन दे आर फाउंड टू बी एक्सटॉर्शनेट एंड अनकॉन्शियबल एंड नॉट मेड विद बोनाफाइड ऑब्जेक्ट ऑफ असिस्टिंग क्लेम्स। झूठे क्लेम के लिए अगर चैप्टर और मेंटेनेंस किया है तो कोर्ट उसको एनफोर्स नहीं करेगा, सच्चे क्लेम के लिए है तो कोर्ट उसको एनफोर्स करेगा। ओ माय गॉड मूवी देखिए, एक ही आदमी बहुत सारे लोगों के बिहाफ पे केस फाइल करता है, वो इंश्योरेंस कंपनी के पास और कौन सा है वो मंदिरों के पास। एक्चुअली वो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलता है, एक्ट ऑफ गॉड की वजह से नहीं देंगे, मंदिर वाले लोग ट्रस्ट वस्ट चला रहे, लोग बोलते हम नहीं देंगे। तो क्या आपने देखा उसके पास बहुत सारे लोग आते हैं परेशान के पास? तो यहाँ पे अगर परेशान को लोग बोलते कि आप हमारा भी केस लड़ो हम आपको पैसा देंगे, तो ये गुड कॉज के लिए बोनाफाइड रीजन है, तो दे चैप्टी अलाउड है। बट अगर आप किसी से बिना मतलब पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहे हो तो देन इट इज नॉट अलाउड। समझा सबको? चैप्टी मेंटेनेंस समझा सबको? पक्का? डाउट क्वेश्चन कोई? मैरिज के रिस्ट्रेंट एग्रीमेंट्स, शादी करनी है तो इसी से करनी है और किसी और के साथ नहीं करनी, कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन के वॉइड है ना? एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिटल ड्यूटी, इसका मतलब क्या है? सुनो सुनो, ए प्रॉमिस बाय अ पर्सन टू मैरी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और आफ्टर डेथ ऑफ अ स्पाउस, एन एग्रीमेंट टू लेंड मनी टू मैरिड वुमन इन कंसिडरेशन ऑफ हर गेटिंग अ डिवोर्स एंड मैरिंग द लेंडर। ये अलाउड है क्या? मैं पैसा दूंगा उसको डिवोर्स देते अपन शादी कर लेते हैं, नहीं ना? एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड आर वॉइड विद सर्टन एक्सेप्शन, बराबर? अच्छा, लीगल प्रोसीडिंग भी समझ में आएगा आपको। पैरेंटल राइट्स, बच्चे को शक्ल नहीं दिखाओगे, बच्चा कभी माता पिता फादर से मिलेगा नहीं या मदर से मिलेगा नहीं, प्रॉमिस करो। ऐसा कर सकते हैं हम लोग? नहीं, टीवी सीरियल में दिखा दे बस ऐसे। हाँ, क्या किया है तो उसको प्राइवेसी चाहिए। अभी अगर तुम्हारे आजूबाजू रोज कैमरा फोटो लेके लोग घूमेंगे, इरिटेट नहीं होगा उसको? अपने लिए वो सेलिब्रिटी, उसके लिए तो नॉर्मल है ना, वो सब किधर भी गए तो लोग मॉल में भी जाएगा, प्लेन में भी ट्रैवल करेगा, रेलवे स्टेशन पे दिख गया लोग कैमरा लेके चालू हो जाएंगे, सर एक फोटो प्लीज,
वो कितना परेशान हो जाएगा, समझ में आया सबको? तो उसने ये थोड़ी बोला कि अनुष्का शर्मा के पास नहीं रहेगी बेटी, मेरे पास ही रहेगी। उसने बोला मीडिया वालों प्लीज विनती करते हैं हमको हमारा प्राइवेसी एंजॉय करना है, बिना मतलब हमारे बच्चों की फोटोज मत निकाल, समझ में आया सबको? तो ये गलत थोड़ी है ना, ये ओके है ना? पर्सनल लिबर्टी का एग्रीमेंट मतलब क्या, ध्यान से सुनो। मान लो मैंने चिन्मय से उधारी लिया, चिन्मय से मैंने लोन लिया, चिन्मय को बोला कि देखो एक साल में मैं पैसा दे दूंगा, मैं भी कहां पर रहता हूं, पुणे में रहता हूं। अब मैंने क्या किया, मैं शिफ्ट हो रहा हूँ पुणे से, मैं दूसरे शहर में जा रहा हूँ। चिन्मय बोलते वादा कर जब तक पैसा नहीं देगा मेरे को तो पुणे छोड़ के जा नहीं सकता, मेरा पर्सनल लिबर्टी छीन रहा है ना चिन्मय मेरे से, ये अलाउड है क्या? नहीं। मैरिज ब्रोकरेज और ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या बच्चों इसका? ये मेरे को पैसा ला के दे रहा है, मैं बोलते सर मैंने यही पर्सन के साथ शादी करा, मैं बोल रहा हाँ चलेगा, देखो जिसके साथ शादी करना है उसका मैं कमीशन लूंगा, मेरे को फोटो देते हैं, आई विल मेक श्योर कि तेरी शादी उसी से हो। और शादी.com और ये जो जीवन साथी ये लोग क्या है, ये लोग प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म आप रिक्वेस्ट भेजो, एक्सेप्ट किया तो ठीक, नहीं किया तो यहाँ पे ब्रोकरेज नहीं ले रहा, वो आपको सर्विसेज का पैसा ले रहा है, समझ में आया सबको? एग्रीमेंट तो वाइड है ना, पैसे की बात चल रही है ना, उसने पैसे नहीं दिया मेरे को, मैं कोर्ट में जाके बोलूंगा कि मैंने ब्रोकरेज लिया था, लड़की से शादी करूंगा, शादी तो कर ले, पैसे नहीं दे रहा। भाई क्या कर रहे हैं तू? ये आपने देखा ना वो मूवी आया था ना, वो रूही रूही में दिखाता है ना, बधाई में दिखाया रूही रूही। अच्छा एक और चीज आपने एक और चीज देखी है ना, ये YouTube पे ना एक चैनल है वाइस टीवी करके, VIC, उसमें ना एक कंट्री दिखाया है वहां का प्रथा है, प्रथा आपको अगर लड़की पसंद आ गई तो आपके घर वाले जाएंगे उसको किडनैप करके लेके आएंगे। हाँ वाइस टीवी पे है, फॉरेन कंट्री है, वो लड़की रोती है पूरा, ऐसा दिखाया वो कि आज ये लड़का इसको पसंद है, वो लड़की पानी भर रही थी हैंडपंप से, ये लोग जाके उसको उठा के लेके कार में बैठ के रो रही है वो, और ये लड़के के घर पे लड़के के पूरे परिवार वाले तैयारी करके रखे, लड़के की मम्मी वगैरह उसको समझा रहे रो मत बेटा, आधे घंटे का नॉर्मल हो जाती है लड़की, गलत है बट हकी प्रथा है, लड़कियां कुछ की बात है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। चलिए क्या आपको वीडियो कंट्री का नाम किसी को मालूम है क्या? कंट्री का नाम अजीब सा नाम है, रुको इधर वीडियो देखना, तुमको वीडियो देखना सबको, हाँ बाद में देखिए, अरे नहीं वो टीवी पे नहीं, इस पे नहीं दिखा सकता, क्यों वीडियो मैं ग्रुप पे लिंक डाल रहा हूँ, देखो ग्रुप पे लिंक डाला मैंने, बच्चों बढ़िया अभी मत देखना है ना, ब्रेक दूंगा तब देखना क्या, अभी है पढ़े पे रहने दो, क्या ब्रेक अभी तो चालू हुआ है, डेढ़ घंटा ही तो हुआ है, डेढ़ घंटा
तो बीच में लाइट भी तो गई थी ना, 20 मिनट हो गए ना ब्रेक, 5 मिनट गई थी। अभी कॉन्ट्रैक्ट तक कितना बाकी, देखो थोड़ा सा ही बाकी एक्चुअली, बट बाकी ना नहीं 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 पार्टनरशिप भी करना। चलो सुनो, मैरिज ब्रोकरेज समझा सबको, अभी ध्यान दो, तुम लोग क्या वीडियो देख रहे हैं, बंद करे, बंद कर, बंद करो वो वीडियो बाद में, सब लगा के बैठ गए लिंक दे दिया। प्रसाद कह रहे नेट गया, चालू है ना बाबा। दू क्या प्रसाद, सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस एंड टाइटल्स, एक मूवी आई थी अपहरण करके, अजय देवगन की, इट इज अ गुड मूवी, इट शोज, एक मूवी आई थी अपहरण करके अजय देवगन की, शोज की कैसे यूपी बिहार में पुलिस के नौकरी के लिए लोग पैसा खिलाते हैं, एप्लीकेशन जाते हैं ना पुलिस भर्ती के लिए, तो ये लोग क्या करते हैं वहां पे पैसा खिलाते हैं और फिर पैसा खिला के नौकरी लेते हैं, तो ये सारे एग्रीमेंट्स वाले देखे। आपने जॉली एलिवी 2 देखा, अक्षय कुमार भी तो ऐसे करता है ना उसमें, कि मेरे को ऑफिस खरीदना है, मेरा चेंबर चाहिए मेरे को। तो क्या हम लोग ऐसा सरकारी नौकरी, देखो यहाँ पे सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस का मतलब ऑफिस नहीं बेच रहे, वो जगह पोस्ट बेचने की बात कर रहे हैं, समझ रहा है सबको, कि आप हमको पैसा दो हम आपको नौकरी लगा के देंगे। अगर आपने पैसा दे दिया और उसमें नौकरी नहीं लगाई तो क्या आप केस फाइल कर सकते हो क्या, आपको भी पनिशमेंट मिलेगा और उस आदमी को भी पनिशमेंट मिलेगा, समझा सबको। अच्छा, मोनोपोली क्रिएट करने के कॉन्ट्रैक्ट में अगर एंटर किया तो अलाउड है क्या, नहीं। इंटरेस्ट अपोज टू पब्लिक ड्यूटी, इसका मतलब क्या है बच्चों, आपने किसी को पैसा दिया, ये देखो ना, एन एग्रीमेंट बाय न्यूज़पेपर प्रोवाइडर नॉट टू कमेंट ऑन कंडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन इज अनलॉफुल। अरे हम कमेंट क्यों ना करें किसी के ऊपर, आप पैसा दे रहे हो कि इनके बारे में उल्टा सीधा मत छापो, अपने कंट्री में तो खुलेआम चल रहा है ना भैया, हर न्यूज चैनल वाला सिर्फ एक ही साइड से बात करता है, बराबर ना, यस। अच्छा, यूट्यूब पे देखने वाले लोगों, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपके व्यूज अलग ओपिनियन हो सकते हैं, बराबर। न्यूज चैनल वाले पॉइजन स्प्रेड करते हैं बच्चों को, जिनको कॉन्ट्रैक्ट का कभी नहीं आता वो पॉलिटिक्स के बारे में स्टेटस ऐसे लगाते हैं कि क्या बताओ, क्योंकि क्या होता है ना, घर पे कुछ तो सुन लिया देख लिया तो थोड़ा हीरो बनने के लिए अपन भी कुछ तो डाल देते हैं, है ना। चलो कोई नहीं, डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स और रेवेन्यू अथॉरिटी, आपने एक एग्रीमेंट बनाया कि आप रेवेन्यू अथॉरिटी को बेवकूफ बनाओगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बेवकूफ बनाओगे, तो ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट वैलिड है क्या, अच्छा, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी मतलब पहले वैलिड था बाद में इम्पॉसिबल हो गया, तो ये वाले कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, यस। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है, कंटिंजेंट और वेजरिंग में फर्क क्या है, कंटिंजेंट में एंड वेजरिंग में फर्क क्या है, वेजरिंग में एक जीतता है और एक हारता है, कंटिंजेंट में ऐसा है क्या, नहीं। कंटिंजेंट डिपेंड्स ऑन happening or non happening of uncertain future events, example insurance के contract, बराबर। तो contingent, अच्छा, sale of goods act में मैंने आपको बताया था future goods, उसमें contingent goods भी थे, कि आप एक मछली पकड़ के लेके आओ, वो मछुआरा क्या बोल रहा है कि वो fish मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती है, मिली तो contract valid, नहीं मिली तो contract खत्म, उधर ही void, समझ में आया सबको। contingent आता है, Yes. अब ये एक एक करके हम लोग समझते हैं, ध्यान से सुनो, हैपनिंग नॉन हैपनिंग, हैपनिंग नॉन हैपनिंग, ये सब दिया हुआ है ना। अब ना एवरीवन, ये कंफ्यूजिंग है, आई नीड अटमोस्ट अटेंशन, ये होगा तो ब्रेक भी अच्छे से करने दिया तो, पिन ड्रॉप साइलेंस रहा तो ही सुनो, ध्यान से। कंटिंजेंसी अपॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टन फ्यूचर में, मतलब अगर हुआ ध्यान से देखो, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि वो बी का हॉर्स खरीदेगा अगर ए जिंदा रहा तो, बिफोर सी, मतलब सी पहले मरना चाहिए और ए बाद में, दिस कैन नॉट बी एनफोर्स बाय लॉ अंटिल एंड अनलेस सी डाइज इन एज लाइफ टाइम, मतलब क्या मालूम है आपको, आई विल गिव यू दिस हॉर्स, हावर्स लिखते हुए
I will give you this horse if you survive and he dies. अगर ये पहले मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकते हैं क्या? नहीं. ये पहले मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकते हैं? यस. कुछ नहीं कर सकते थे. किसको करेंगे? एलर्जी मतलब तुम लोग का दिमाग में एक सीधा रास्ता है. हम लोग को क्या करना है? नहीं, सीधा रास्ते से कोई नहीं जाएगा. हम लोग जंगलों में से जाएंगे फिर बोलेंगे लाइफ बहुत खराब है. तुमको भगवान ने सीधा रास्ता दिया था, तुम लोग को जंगल में से जाना था. वहां पे पत्थर सांप बिच्छू घूम रहे, फिर तुम कोस रहे हो खुद को कि हमको नहीं आता. क्यों नहीं आता? समझा? सुनो, नंबर वन समझा, कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट, इवेंट हुआ तो. दूसरा क्या है? नॉन हैपनिंग, यानी इवेंट नहीं हुआ तो. ए अग्री करता है बी को कि उसको पैसा देगा अगर शिप नहीं आया. कितने साल के अंदर? एक साल के अंदर अगर रिटर्न नहीं होता है, एक साल का नीचा है, चलो वो फिक्स टाइम हो गया ना. मैं आपको पैसा दे रहा हूं, आज ये शिप गया, अगर ये शिप कभी भी नहीं आया तो मैं आपको पैसा दूंगा. समझा सबको? तो ये नहीं होना चाहिए, ऊपर बोला है होना चाहिए. अब यहां पे आ गया टाइम, स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट है विद इन फिक्स टाइम. ए बी को प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तेरे को पैसा दूंगा अगर शिप रिटर्न हुआ एक साल के अंदर. आई विल पे यू मनी इफ द शिप रिटर्न्स इन वन ईयर. मेरा क्वेश्चन ये है कि दो महीने बाद शिप चल गया, डूब गया, अब पैसा देना पड़ेगा? क्योंकि अब पॉसिबल ही नहीं है ना. बराबर. अच्छा, एक साल खत्म होने के बाद आया तो नहीं, एक साल के अंदर ही आना चाहिए ना उसने. तो स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर हुआ तो. अब उल्टा क्या है इसमें? स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर नहीं हुआ तो. मतलब एक साल के अंदर शिप नहीं आना चाहिए तो मैं पैसा दूंगा. अच्छा, अगर दो महीने बाद शिप डूब गया तो पैसा देना पड़ेगा मेरे को? चिन्मय के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया. सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, इसी के लिए बोलो कंफ्यूजिंग वापिस से. सबसे पहला क्या बोलता है? हैपनिंग ऑफ इवेंट, इवेंट हुआ तो पैसा मिलेगा. दूसरा है इवेंट नहीं हुआ तो पैसा मिलेगा. तीसरा क्या है? कि ये पीरियड के अंदर हुआ तो पैसा मिलेगा. अब तीसरा क्या? ये टाइम पीरियड. चौथा क्या? ये पीरियड के अंदर नहीं हुआ तो पैसा मिलेगा, है ना. तो ये एक साल के अंदर ये शिप ने आना नहीं है, ये एक साल के अंदर शिप डूब गया तो आ ही सकता है क्या अभी? तो पैसा मिलेगा मेरे को? समझ में आया? पक्का सबको समझा? अच्छा, अभी यहां पे किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? बिहेवियर ऑफ अ पर्सन एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम ऑफ फ्यूचर. अगर आप सुनो ध्यान से, ए अग्रीज टू पे बी इफ बी मैरिज सी बट सी ने शादी कर लिया डी के साथ. सुनना मेरी बात. ए ने क्या बोला बी को? कि मैं तेरे को पैसा दूंगा अगर तू किसके साथ शादी करेगा? सी के साथ. बिफोर वो शादी कर पाता, सी ने शादी कर लिया डी के साथ. अब क्या पॉसिबल है पैसा मांगना मेरा उससे? नहीं. बट एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर डी की डेथ हो गई और डेथ के बाद मैंने शादी किया तो मैं पैसा मांग सकता हूँ. समझ में आया सबको? नहीं, ब्रोकरेज किधर है? कमीशन खा रहा है थोड़ी, शादी करवा के दूंगा थोड़ी बोला है ना. शादी किया तो पैसा मिलेगा ऐसा बोला है. मेरी मम्मी ने बोल दिया तू कटिना के साथ शादी करेगा तो पैसा नहीं. क्या तो नहीं, क्योंकि मेरे को मम्मी से पैसे नहीं लेने थे तो मैं तो पक्का कर लिया रहता. लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल. कितना रोई थी चन्ना मेरे पे, खुद गई थी उसकी शादी में. मैं नहीं गया, उसने बुलाया था, गए थे क्या लेक्चर ले रहे थे, उसने मेरे को अनफॉलो कर दिया. आप उसके पोस्ट पे कमेंट करो डू यू नो शुभम सर, रिप्लाई नहीं करेगी करेंगे, झूठ लग रहा है करो. तुमको क्या तो मालूम है यार मेरे बारे में. छोड़ो ना, अब छोड़ो पुरानी बातें याद नहीं. इम्पॉसिबल इवेंट तो अवॉइड ही होता है, चुपे है ना. इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? अवॉइड होता है. समझा सबको? अभी बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की. ब्रेक की क्या बात करेगा? हाँ, तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है. And ऐसे भी it was social agreement. No.
इज इट एनफोर्सिबल? कितने देर का ब्रेक लोगे? 10 मिनट 20 एक घंटा क्या? अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है, डिफिकल्ट ज्यादा तो बोल देते हैं, सब तो इजी आता है आपको। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए आपको? क्या नहीं चाहिए भाई? सब चाहिए हमको। जिसको आता है वो ब्रेक ले ले, जिसको नहीं आता है वो क्लास। अरे कितना ब्रेक ब्रेक करते हो आप? के लिए एक और दिन मिलना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब क्या है? क्लास नहीं मांगा मेरे, बाकी की क्लास है सर। इसके बाद जिसको घर जाना घर जाओ, क्लास में बिना मतलब के फालतू टाइम पास करने वाले बच्चे नहीं चाहिए। बाहर क्यों बैठे तुम लोग? किसको पूछो बाहर गए? बैग ले घर जाओ, जो भी बाहर बैग ले घर जा, घर जा, घर जा, घर जा, बैग ले घर जा। किसको पूछो बाहर गए? किसको पूछो बाहर गए? क्यों गए? क्यों गए? एक मिनट क्यों गए? मेरा टाइम पास करना क्या? इधर देख लिया मैंने, फालतू बना कर नहीं बैठना है तो सीधा घर जाओ। फालतू बना कर रहे हो यहां पे आकर, नहीं पढ़ना है क्या? तेरे को क्वेश्चन पूछूंगा तुम लोग, खड़े हो तुम लोग, खड़े हो, पूछूंगा क्वेश्चन। एक सब्जेक्ट में जितना पासिंग है ना, चारों में भी नहीं आएगा तेरे को, मैं ऐड करके। टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, 10 मिनट्स मतलब 10 मिनट्स।